नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही कही है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। सफर के दौरान ब्राह्मण ने यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर कन्याएं देखी। वो रेत के घर बनाकर खेल रही थी। सभी लड़कियां रेत से बने घर बिगाड़कर अपने अपने घर जाने लगी तो उनमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटा कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देगी। यदि वह रोटी बना देंगी तो मैं खाना खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं, उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो मेरे बेटे की कटार है, उससे तुम्हारी बेटी विवाह कर सकती है और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़के की कटार से लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी आई और बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं, फिर बहू कहाँ से आ गई? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण बोला, तुम दरवाजा तो खोल कर देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने उसका आदर सत्कार किया और उसे अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ कार्तिक का स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती थी। इस तरह बहुत से दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग अचानक बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, बहन मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वो थके हारे घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, ये झूठ बोलकर तुझे ब्याह लाए हैं, मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की करची दाल में और दाल की करची खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल में भी नमक नहीं है?
तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वो फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जैसे ही वो स्नान करने जाने लगे तो बहू सामने आकर खड़ी हो गई, बोली, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर के कहने पर सास ने उसे चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा, किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला सातवा कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिलड़ा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तो लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और कहने लगी, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो थक नहीं जाती? आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर सास कहने लगी, बेटा, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवा कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिलड़ा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ, मैं तुम्हारा ही तो बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक के देव ने भेजा है। यह सब सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। जय कार्तिक देव।